आज के ई लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं मंजू मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, एसपीसी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज मैं बीएससी पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए छठा ई लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कारनोट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। कारनोट इंजन तथा रेफ्रिजरेटर, जब कोई इंजन उच्च ताप T1 केल्विन पर ऊष्मा Q1 ग्रहण करता है और इसे उपयोगी कार्य करके शेष ऊष्मा Q1 - W विच इज़ इक्वल टू Q2 को निम्न ताप T2 पर निष्कासित करता है, तो इस प्रकार स्रोत से ली गई ऊष्मा का कुछ भाग उपयोगी कार्य में रूपांतरित हो जाता है। इस युक्ति को ऊष्मा इंजन कहते हैं। इसका सांकेतिक सिद्धांत चित्र में बताया गया है। इसमें अवस्था परिवर्तन चक्र को सूचना आरेख वक्र ABCDA के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इसे कार्नोट चक्र भी कहते हैं। ये हीट इंजन की बात हम कर रहे हैं। ऊष्मा सोर्स, ऊष्मा सिंक, Q1 ऊष्मा सोर्स से ली गई, Q2 ऊष्मा सिंक को दी गई और W कार्य किया गया। इसका इंडिकेटर डायग्राम P वर्सेस V डायग्राम जो है वो है A से B तक प्रोसेस गया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस बी से सी, सी से डी, डी से ई। इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं जब हमने कार्नो हीट इंजन की एफिशिएंसी के लिए एक्सप्रेशन निकाला था। ठीक है, तो ये तो है हीट इंजन की बात, जो वहाँ पर प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस है ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई। इस प्रकार से हम अपने गैस के इनिशियल स्टेज पर पुनः पहुँच जाते हैं। यह कार्नो चक्र पूर्णतः उत्क्रमण होता है, यानी हम इसे उल्टी दिशा में भी कर सकते हैं। इस प्रक्रम को विपरीत दिशा में संचालित किया जा सकता है, अर्थात यदि निम्न ताप T2 केल्विन पर Q2 ऊष्मा ग्रहण करे और इस प्रकार बाह्य एजेंसी से कार्य W कराया जाए तो इंजन कुल ऊष्मा Q2 + W = Q1 को उच्च ताप पर निष्कासित करेगा। इस प्रकार विपरीत क्रम में यह प्रक्रम रेफ्रिजरेटर के समान कार्य करता है। चूँकि यह प्रक्रम निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण करता है, रेफ्रिजरेटर का सांकेतिक सिद्धांत चित्र में और इसका अवस्था परिवर्तन चक्र कार्नो चक्र चित्र 4 में प्रदर्शित किया गया है। आइए दोनों चित्र हम आपको दिखाते हैं। इसमें जस्ट डायरेक्शन उल्टी है। पहले Q1 से हीट ले रहे थे T1 केल्विन सोर्स से, यहाँ पर T2 केल्विन सिंक से Q2 ऊष्मा ली जा रही है, Q1 ऊष्मा सोर्स को दी जा रही है, W गैस पर वर्किंग सब्सटेंस पर कार्य करवाया जा रहा है। इसका PV इंडिकेटर डायग्राम A से D प्रोसेस जा रहा प्रक्रम पहले हो रहा है, फिर D से C, C से B और फिर B से A। पहले जो प्रक्रम था उसका जस्ट उल्टा प्रोसेस हमने शुरू किया है और हम वापस से इनिशियल स्टेज पर पहुँच चुके हैं, A स्टेट। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि कार्नो चक्र ऊष्मा इंजन तथा रेफ्रिजरेटर दोनों के समान कार्य कर सकता है। कार्नो चक्र को रेफ्रिजरेटर की भांति उपयोग करने पर इसकी क्षमता इसके कार्य गुणांक के द्वारा दी जाती है। रेफ्रिजरेटर के केस में, इंजन के केस में हमने हीट एफिशिएंसी की बात की थी, रेफ्रिजरेटर के केस में हम वर्क परफॉर्मेंस की बात करेंगे। निम्न ताप T2 केल्विन पर रेफ्रिजरेटर द्वारा अवशोषित ऊष्मा Q2, उच्च ताप T1 केल्विन पर रेफ्रिजरेटर द्वारा निष्कासित ऊष्मा Q1, कार्यकारी पदार्थ पर किया गया कार्य Q1 - Q2, इंजन का शीतलन प्रभाव उसके द्वारा अवशोषित ऊष्मा Q2 पर निर्भर है, अतः प्रशीतलन के लिए ऊष्मा गुणांक अवशोषित ऊष्मा वह बाह्य एजेंसी द्वारा किए गए कार्य का रेशियो होता है। प्रशीतलन का कार्य गुणांक Q2/W विच इज़ Q2/Q1 - Q2। कार्नो इंजन की दक्षता 100% से अधिक नहीं हो सकती, परंतु रेफ्रिजरेटर का कार्य गुणांक 100% से अधिक हो सकता है। कार्नो इंजन की एफिशिएंसी किसके बराबर है? Η = 1 - Q2/Q1। ठीक है,
और यहाँ हमने इसको परिभाषित किया एनीटा बराबर यूजफुल वर्क डिवाइडेड बाय एब्जॉर्ब हीट। यहाँ पर जो डेफिनेशन है वर्क परफॉर्मेंस की वो है अवशोषित ऊष्मा डिवाइडेड बाय बाह्य एजेंसी के द्वारा किया गया कार्य। दोनों को डिफाइन करने के तरीके में अंतर है क्योंकि दोनों का कार्य करने का तरीका भी एक दूसरे के अपोजिट है। तो क्या देखा आपने, कार्नो इंजन की दक्षता 100% से अधिक नहीं हो सकती है, परंतु रेफ्रिजरेटर का वर्क परफॉर्मेंस यानी Q2/W 100% से अधिक हो सकता है। अभी हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे हीट इंजन के बारे में, कल हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।